कुछ परेशान नज़र आ रहे हैं कि बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, या फिर आपकी शॉप है और वहाँ पे अच्छे ख़रीदार नहीं आते हैं, सेल्स नहीं होती हैं, या फिर आप अच्छे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं बट आपको अच्छी क्लाइंटेज नहीं मिलती है, या फिर कोई अगर क्लाइंट्स आते भी हैं तो वो आपके साथ मोल भाव करने लगते हैं, यानी कि आपकी मेहनत, आपकी एनर्जीज, आपको वापस से एनर्जी एक्सचेंज नहीं मिलता, तो क्या करें? ऐसा क्या करें कि आपका जो काम है वो दिनों दिन रात चौगुनी जो है प्रॉस्पर करे, और जो प्रोडक्ट्स आप लॉन्च कर रहे हैं वो लोगों को पसंद आए, जो चीज़ें आप अपनी शॉप में रख रहे हैं वो लोगों को पसंद आए और आपकी बिक्री बढ़ जाए। अब शॉप्स में, मैं हर तरह की शॉप्स की बात कर रही हूँ, हर तरह के बिज़नेस की बात कर रही हूँ। आप कह लीजिए अगर आपकी गोल्ड सिल्वर की शॉप है, या फिर गारमेंट्स की है, या फिर जनरल स्टोर है, या फिर कोई भी शॉप है, कॉस्मेटिक्स की है, कोई भी शॉप है, तो आपका अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके मेहनत के मुताबिक आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करें? तो चलिए आज मैं आपके लिए एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एक स्विचवर्ड फ्रेज लेकर आई हूँ, जो कि बहुत आसान है चैंट करना भी और उसका ईसी बनाना भी। थोड़ा डिफरेंट उसका ईसी मैं बनवाऊँगी आपसे, और आप उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ज़रा ध्यान से नोट करिएगा, उसको आप करिएगा, और उसके बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसे उसको फ़ायदा हो रहा है। 21 दिन का टाइम लगेगा, अगर आप 21 दिन रिलीजियसली उसको करते हैं तो आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट मिलने के बाद आपको उसको रोक देना है, उसको रोकना नहीं है, उसको कंटिन्यू करते रहना है, ठीक है? चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, कि वो कौन सा स्विच वर्ड है जो आपकी सेल्स को बढ़ा देगा, आपके काम को और चार चांद लगा देगा। और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर, लाइक, कमेंट तो आप ज़रूर करेंगे। जब आपको फ़ायदा होने लगेगा ना, वो तो खैर बात की बात है, अभी भी आपको पसंद आएगा और आप उसको पक्का लाइक, शेयर, कमेंट करेंगे मेरा मॉरल बूस्ट अप करने के लिए, मुझे मालूम है। तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को हिट कर दीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए, शेयर ताकि दूसरे लोगों का भी आपका भला हो। चलिए अब हम एनर्जी एक्सचेंज की तरफ, एनर्जी सर्कल की तरफ चलते हैं। अब एनर्जी सर्कल आपको अब की बार कैसे बनाना है? आपको पहले बनाना है, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, एक सर्कल बनाना है। एक सर्कल आपने जो है, एक सर्कल बिना हाथ उठाए इस तरह से बना दिया, एक सर्कल बिना हाथ उठाए आपने बना दिया। अब इसके आउटर साइड पे आप एक ट्रायंगल बनाएंगे, वो भी आप ऊपर से शुरू करेंगे, और यहाँ से आपने शुरू किया, और यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू किया, लेफ्ट हैंड साइड पे गए, नीचे से गए, एंड देन ऊपर जाके इसको मिला दिया, ये आपका ट्रायंगल बन गया। यानी कि बाहर ट्रायंगल है, बाहर ट्रायंगल है और बीच में सर्कल है। बहुत एक्यूरेट नहीं है, कोई बात नहीं, बहुत एक्यूरेसी नहीं है आपके सर्कल में और ट्रायंगल में, तो कोई बात नहीं। चलिए इसके अंदर आपको लिखना क्या है, इसके अंदर लिखना है आपको टुगेदर कंसीडर नाउ डन, टुगेदर कंसीडर नाउ डन। सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ, आज मैं बाहर बैठी हूँ और रोड के पास बहुत शोर है, जबकि बहुत लेट है ना, लेट नाइट हो गया है, फिर भी बस आज मेरा मन था बाहर बैठ के वीडियो बनाने का, तो मैं बनाना शुरू कर दिया, और इस डिस्टर्बेंस को प्लीज़ नज़रअंदाज करिएगा। और ये जो स्विचवर्ड फ्रेज है, ये मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी, ताकि आपको आसानी से जो है आप इसको बना सकें। क्या करना है आपको? एक सर्कल बनाना है, उसके आसपास एक ट्रायंगल बनाना है, और उसके अंदर लिखना है टुगेदर कंसीडर नाउ डन, टुगेदर TOGETHER कंसीडर CONSIDER नाउ डन। और हर वर्ड के बाद आपको एक डैश लगाना है,
इसके ऊपर जहाँ पे आपने ये फ्रेज लिख दिया, फ्रेज के ऊपर आप अपनी कंपनी का नाम, अपने प्रोडक्ट का नाम, अपने इंस्टीट्यूट का नाम, अपने शॉप का नाम जो भी है वो लिखेंगे, और नीचे सबसे नीचे जहाँ पे आपने चैंट ख़त्म कर दिया वहाँ आप अपना नाम लिखेंगे। और फिर वही करना है, आपने क्या करना है, आपको उसको ब्रॉडकास्ट कर देना है, वॉल पे उसको ब्रॉडकास्ट कर दीजिए और फिर उसे अपना काम करने दीजिए। और जो ये चैंट है इसको आप प्रैक्टिस करिए, बोलिए, रिचुअल, ये भी एक रिचुअल है, आप अपनी बॉडी पे लिखिए, इसको चैंट करिए, आपकी सेल्स ज़रूर बढ़ेगी। और अगर थोड़ी मेहनत कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। आपके जो ड्रॉर्स हैं जहाँ पे आप सामान रखते हैं, अलमीराज रखते हैं, रैक्स हैं जहाँ, वहाँ पे भी ये छोटे छोटे एनर्जी सर्कल बना के ये चांट्स छोटे छोटे उस पर चिपका दीजिए और मुझसे रिजल्ट ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।